पीथमपुर के समीप आर्मी कैंट एरिया में दो महिलाओं और एक पुरुष को जासूसी के संदेह में पकड़ा गया है। 27 और 31 वर्ष की दोनों बहनें हैं। दोनों को महू पुलिस में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है। फिलहाल दोनों महिलाओं ने अभी तक ठोस जानकारी नहीं दी है। पुलिस लगातार महिलाओं के घर की तलाशी ले रही है, उनकी कॉल डिटेल भी निकाल रही है। वहीं पूरे मामले में IG हरिनारायण मिश्र ने बताया कि आर्मी कैंट एरिया में दो महिलाओं और एक पुरुष को संदेह के आधार पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ तथ्य मिले हैं, पूछताछ तथ्यों की पुष्टि के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। उसमें कुछ गैजेट्स भी प्राप्त हुए हैं जिसमें जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो दोनों महिलाएं पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में थी। बताया जाता है कि इनमें एक पूर्व सैन्यकर्मी भी है। ATS, ANI, IB और इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा पूछताछ की जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले में खुलकर कुछ नहीं कह रही है। पीथमपुर से संजय सोनकर की रिपोर्ट। उसमें कुछ उनके संपर्कों के बारे में कुछ इस तरह की संदिग्ध जानकारियां आई जिसे पुलिस अभी पड़ताल कर रही है और पुष्टि होने के साथ आवश्यक जानकारी आ रही है। सर, पाकिस्तानी युवतियों का कनेक्शन सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के किसी युवकों से फ़ोन पर बात कर रही थी, ऐसा कुछ जानकारी आया? नहीं, सिर्फ फ़ोन पर बात नहीं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें पूरी पड़ताल के बाद ही स्पष्ट किया जा सकता है। पूरी पड़ताल के बाद और तथ्यों के बाद ही उसकी अंतिम रूप से पुष्टि की जा सकती है। पुलिस की टीम संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ सारे तथ्यों की पड़ताल कर रही है। सर, कब से कर रही थी बात, कुछ जानकारी? पड़ताल कर रही है, उसकी पुष्टि होने के बाद। सर, क्या हमको हिरासत में ले लिया है या नहीं? हिरासत में नहीं लिया है। संदिग्ध तरह प्रारंभिक तौर पर पुलिस अगर सामान्य प्रक्रिया के तहत कोई भी जानकारी अगर आती है, पुलिस पहले उन तथ्यों की पुष्टि करती है, उनकी पड़ताल करती है और उनकी पुष्टि होने के बाद ही फिर पुलिस आगे बढ़ाने का। कौन कौन से विभाग इसमें जाँच कर रहे हैं? मुख्य तौर पर पुलिस और वहाँ की जो स्थानीय एजेंसी में कर रही है, लेकिन पुष्टि होने के बाद जो तक आएंगे उसके बारे में फिर आपको। सर, कैसे जान पहचान हुई थी, कैसे नंबर मिला था इनका? वहाँ का कितनी महिला और कहाँ? प्रारंभिक जो जानकारी आई है उसमें दो महिला है, संदिग्ध और एक पुरुष है, इसके बारे में प्रथम दृष्टि पूछताछ करेंगे। तो प्रारंभिक तक महिला का बैकग्राउंड आर्मी से जुड़ा हुआ है, कितने समय से रह रहे थे सर महू में, कैसी जानकारी? नहीं, वही आसपास के वहीं के रहने वाले हैं। मुख्य तौर पर उनके बैकग्राउंड और बाकी जो जानकारियाँ हैं पुष्टि होने के बाद फिर विस्तार से आपके साथ। सर, जो ये महिलाएं हैं ये आर्मी क्षेत्र में थी और असंवैधानिक गतिविधियाँ जैसे बताया उसमें ये आपका शक है, तो कितना गंभीर मामला है ये सर? और दूसरी एजेंसियों को भी आपने सूचना दी है, IG वगैरह एजेंसी वगैरह? कई बार पुलिस के पास प्रारंभिक जानकारियाँ आती हैं, प्रारंभिक तथ्य आते हैं, लेकिन जब तक उन तथ्यों के साक्ष्यों के साथ पुष्टि न हो, पुलिस उसकी अंतिम तौर पर पुष्टि उसके बाद ही कर पाती है जब अंतिम रूप से साक्ष्य हो, प्रमाण हो, पूरी तरीके से तथ्य उपस्थित हो। प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिलती है, पुलिस की सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा रहता है कि जब कुछ तथ्य आता है तो पुलिस उन तथ्यों की पड़ताल करती है, पड़ताल के बाद ही फिर निष्कर्ष पर पहुँचती है। पुलिस अभी प्रारंभिक स्तर पर जो तथ्य मिले हैं उनकी पड़ताल कर रही है, उसकी पुष्टि होते हैं फिर उसके बारे में। सर, सूचना किसी बाहर वाली एजेंसी ने दी थी या किस माध्यम से यह पूरा मामला? अभी इस स्तर पर सूचना के स्तर पर बाकी चीज़ों पर चर्चा करना है। सर, कुछ वगैरह को जब्त किया, हार्ड डिस्क वगैरह को जब्त किया हुआ? चूँकि इस तरह की चीज़ें मुख्य तौर पर तकनीकी सूचना के ज़माने में तथ्यों पर आधारित होती हैं और साइबर वर्ल्ड में मुख्य तौर पर इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनका महत्व होता है, पुलिस समान तौर पर अपनी जाँच में चीज़ें पूछ सकते हैं। पाकिस्तानी युवकों से कोई चर्चा हुई है? अभी पुष्टि होने के बाद उसमें तथ्य मिलेगा, तब हम विस्तार से चीज़ों को सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।